गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्री बी एन मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चैप्टर नंबर है 5th और इस चैप्टर को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेट्स नो अबाउट ट्री एंड हर्ब्स। चैप्टर का नाम क्या था? लेट्स नो अबाउट ट्री एंड हर्ब्स। इसके दो पार्ट कंप्लीट हो गए, इसका पार्ट थर्ड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या, किसके बारे में अपन पढ़ेंगे? स्टेम के बारे में। स्टेम किसको बोलते हैं उसके बारे में कंप्लीट अपन जानकारी लेंगे। स्टेम बोलते हैं तने को। किसको बोलते हैं? जो प्लांट के तने होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्टेम। द स्टेम नॉर्मली फॉर्म्स द एबो द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तना सामान्य रूप से पौधे के जमीनी भाग से ऊपर बनता है। क्या होता है? जो ग्राउंड फ्लोर होता है उससे हमेशा तना क्या होता है? ऊपर होता है। आपने भी प्लांट को देखा होगा कि प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके तने हमेशा ग्राउंड फ्लोर से क्या रहते हैं? ऊपर रहते हैं, जमीन से हमेशा ऊपर रहते हैं। इट बियर्स ब्रांचेज। इनकी बहुत सारी शाखाएं होती है। यह शाखाएं क्या करता है? धारण करता है। अलग अलग शाखाएं आपने देखा है, प्लांट जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे अलग अलग ब्रांचेज, उससे अलग अलग शाखाएं निकलती है। अलोंग विथ इट्स ब्रांचेज इट आल्सो बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। इनकी शाखाओं के साथ साथ इसमें क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, जब अपन प्लांट को उगाते हैं तो जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है? लीव्स, पत्तियां, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स। उसमें क्या होते हैं? इन शाखाओं के साथ साथ इसमें पत्ते, फूल और फल भी होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्रीज। आपने पेड़ों के मोटे तने के बारे में सीखा है। हैंस स्टेम्स रिमेन इरेक्ट। इसलिए तना सीधा रहता है। क्या होता है? इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा। इट इन मैनी प्लांट्स द स्टेम इज वीक। कई पौधों में क्या होता है? तना क्या होता है? वीक होता है। वीक का अर्थ होता है कमजोर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके तने क्या होते हैं? वीक होते हैं। इट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वो क्या होते हैं फिर? सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो सीधे नहीं रह सकते हैं। हैव यू सीन द स्टेम ऑफ गॉड्स। क्या आपने लौकी का तना देखा है? किसका? लौकी का। बॉटल गॉर्ड, लौकी, बीटल गॉर्ड एंड पम्पकिन एक्सेट्रा है वीक स्टेम। बॉटल गॉर्ड किसको बोलते हैं? लौकी को। बीटल गॉर्ड करेले को और पम्पकिन किसको बोलते हैं? कद्दू को। इनके तने हमेशा क्या होते हैं? वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। इन दीज प्लांट्स द स्टेम इज नोन एज क्लाइंबर एज इट नीड्स अ सपोर्ट टू क्लाइंब। इन पौधों के तने को क्लाइंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन जो पौधे होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? क्लाइंबर बोलते हैं। एज इट नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब। नीड का अर्थ क्या होता है? ज़रूरत। जैसा कि इनको चढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है? हमेशा सपोर्ट की। जो जिनके तने वीक होते हैं उनको हमेशा इरेक्ट सीधा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? उनको सपोर्ट देना पड़ता है। तो इन प्लांट को हमेशा किसकी ज़रूरत रहती है? सपोर्ट की। इन दीज प्लांट्स थ्रेड लाइक सॉफ्ट ग्रीन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स आर फाउंड। इन पौधों में धागे जैसी मुलायम हरे रंग की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। दीज टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड एंड क्लिंग टू अ सपोर्ट। ये टेंड्रिल चारों ओर क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, कुंडलित होते हैं और एक सहारे से चिपके होते हैं। एनी अदर प्लांट अ स्टिक अ पोल एक्सेट्रा मे बी यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दीज प्लांट्स। इन मैनी अदर प्लांट्स द स्टेम इट्सेल्फ ट्विंस अराउंड द सपोर्ट। दीज प्लांट्स डू नॉट हैव टेंड्रिल्स फॉर्म एग्जाम्पल बीन सेम। कोई अन्य पौधा एक छड़ी, एक डंडा आदि रहने का उपयोग इन पौधों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। अपन क्या करते हैं जैसे कोई पौधे इरेक्ट जब सीधे नहीं हो सकते तो अपन उनको सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? जैसे स्टिक, लकड़ी का, डंडे का, किसी का भी उस प्लांट को सहारा देने के लिए अपन उस यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। इन मैनी अदर प्लांट्स द स्टेम इट्सेल्फ ट्विंस अराउंड द सपोर्ट। दीज प्लांट्स डू नॉट हैव अ ट्रेंडिंग फॉर एग्जाम्पल बीन सेम। कई अन्य पौधों में तना ही सपोर्ट के चारों ओर जुड़ता है। क्या होता है? कभी कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि तना ही उनके सपोर्ट बन जाते हैं। इन पौधों में क्या नहीं होते हैं? ट्रेडिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? बीन। थिंक एंड राइट। क्या है? आपको सोचना है और लिखना है। व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेम इज फाउंड इन मनी प्लांट? इरेक्ट और वीक। मनी प्लांट में किस प्रकार का तना पाया जाता है? सीधा या कमजोर? मनी प्लांट होता है वो हमेशा कैसा होता है? उसमें कैसा तना होता है? उसमें हमेशा वीक होता है।
क्या होता है, उसका तना हमेशा कमज़ोर होता है, वो हमेशा एकदम इरेक्ट नहीं रह सकता, उसको हमेशा किसकी ज़रूरत रहती है, सपोर्ट की। हाउ डज द वीक स्टेम ऑफ डूब ग्रास ग्रो, डूब घास का कमज़ोर तना कैसे बढ़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। थैंक यू।